हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स है प्रत्येक 6 स्टूडेंट पर, यानी कि 3 कंप्यूटर्स पर 6 स्टूडेंट्स, यानी कि हर 6 स्टूडेंट को 3 कंप्यूटर मिलेंगे। और तो हमें और सवाल क्या पूछा है कि 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। तो 3 कंप्यूटर्स 6 स्टूडेंट्स के लिए, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए हमें। तो चलिए अब इसको हम नोटबुक पर बनाते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। तो इसका ये सवाल है कि 6 स्टूडेंट्स के लिए हम कैसे करेंगे। इसे हमें पता लगाना है 24 स्टूडेंट्स के बारे में, इसलिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम स्टूडेंट्स के बारे में लिखेंगे। तो 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर्स है, ठीक है, 3 कंप्यूटर्स है 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर 1 स्टूडेंट के लिए कितना आएगा, हमें सबसे ये यूनिटरी मेथड हमें यूज़ करना है। तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना, 3 बाई 6 कंप्यूटर में चाहिए, यानी कि 3 1 3 3 2 6, यानी हाफ कंप्यूटर। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि टू स्टूडेंट्स को हमें 1 कंप्यूटर देंगे, तो 6 स्टूडेंट्स को 3 कंप्यूटर, इसलिए 1 स्टूडेंट को हाफ आया है, यानी कि 2 स्टूडेंट को 1 कंप्यूटर आएगा। तो कोई बात नहीं, हाफ आया तो इससे हम सॉल्व करेंगे। तो 6 स्टूडेंट्स को हम 3 कंप्यूटर्स देंगे, तो 1 स्टूडेंट को हाफ मिलेगा। तो अब हमें बोला है 24 स्टूडेंट्स का निकालना है, 24 स्टूडेंट्स का हमें निकालना है। तो 24 स्टूडेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 24 स्टूडेंट का निकालने के लिए हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 24। 1 स्टूडेंट के लिए हाफ, तो 24 स्टूडेंट के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 24। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24/2। तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि 24 वन से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 वन से 24, तो 24/2 और 2 1 2 2 1 2 2 2 4 = 12। तो हमारे 24 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तो सो फॉर 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स 12 कंप्यूटर्स आर नीडेड। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 12 कंप्यूटर्स। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हमने 3 कंप्यूटर्स इस साइड लिख दिया, 6 स्टूडेंट्स इस साइड लिख दिया, तो फिर तो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखिए, आप कोई भी ऐसे सवाल आए तो आप समझ जाइएगा कि कैसे हो सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स जो है, 3 कंप्यूटर्स 6 स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब हमें सवाल कितने का पूछा है, 24 स्टूडेंट्स का पूछा है। तो हम 6 स्टूडेंट्स इस साइड लिखेंगे एंड 3 कंप्यूटर्स हम हमारे इज इक्वल टू के राइट साइड पे लिखेंगे, उससे हमारा सही यूनिटरी मेथड काम करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में लिखा एंड 3 कंप्यूटर्स राइट साइड में लिखा इज इक्वल टू के। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाता है और हमारा आंसर 12 कंप्यूटर्स आएगा। तो सब समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।